काम में। कैसा लग रहा है? खुशी होनी चाहिए क्योंकि अभी अभी तो त्योहार एकदम जोरों में चल रहे, वरना मालूम है ना दो साल पहले क्या हुआ था। बहुत खुशी हो रही है, इसका इंतजार मुझे साल भर में रहता है क्योंकि मैं भी बाप्पा बेटा था। वो 12 दिन मेरे को जो खुशी होती है ना, उनको लाता हूँ मैं, उनकी सेवा करता हूँ, बहुत खुशी होती है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं गणेश चतुर्थी, क्या कुछ स्पेशल रहता है आपके लिए? जलवा होता है भाऊ का, शायद आप लोग ना आते नहीं ना, गरीब लोगों के इधर उधर नहीं आते आप लोग, आप बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं। थोड़ा गरीब लोगों के इधर आना सीखो ना, पता चलेगा कि भाऊ का जलवा उधर क्या होता है। आप इतने सालों से गणपति बैठा रहे हो, कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आप? मेमोरी शेयर करना, मैंने आज से 14 साल पहले बिठाया था नहीं, और किसी ने बिठाया था वहां पे, और वो बिठाने के बाद उन लोग का वो करने को नहीं आया उनको, तो फिर दूसरे साल उन्होंने बोला हम नहीं बिठा सकते, हमारा हैसियत नहीं। और तो मेरा भी टाइम नहीं था, 14 साल पहले इतना नहीं था, तो मैंने बोला यार इतना प्यारा चीज आपने बिठाया आज, अभी ये साल तुम बिठाएगा नहीं, मुंबई बिठाएगा, कोशिश करूंगा। सच में तब मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने सच बोलूं मैं मेरा गोल्ड बेचा, मेरा गाड़ी बेचा, ये 8-9 साल तक यही चला, मैं हर चीज बेच के ना उनको बिठाया। आज उसने ना जितना दिया था उससे 1000 गुना मेरे को वापस भी दिया, उनको कभी बंद नहीं किया मैं बिठाना, तो वही बापा का कृपा है। सच्चे दिल से आप करोगे ना हाँ तो बहुत कुछ देता है वो, दिखावा करोगे तो कुछ नहीं मिलता है, फिर बाबा जी का घंटा मिलता है, समझा, जो है वो भी लेके जाता है। लास्ट ईयर आपका गाना भी इस बार भी गणपति पे बनाया भाई आपने? नहीं कुछ नहीं बनाया ये टाइम सिर्फ थोड़ा सा आपको पता रहेगा, मेरा एक अनसुनी करके एक रियलिटी शो आ रहा है, बस उसके अभी 50 एपिसोड पूरे हो गए, फिर उसके बाद अभी गणपति के बाद और एक होने वाला है, बताऊंगा उस रियलिटी शो में क्या कुछ होने वाला है वो आप बता। लोगों की कितनी सुनी है सर आपने बताया कि जिन लोगों की नहीं सुनी है देश अनदेखा कर अनदेखा कर देता हूं, उनको आप उसका न्याय दिलाते हैं? मैं न्याय दिलाने वाला कौन हूं? हमारे पास न्यायालय बेटे उच्च न्यायालय, वो न्याय देते है। अपना संविधान बहुत बड़ा है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, तो हम न्याय देने वाले कुछ नहीं, सिर्फ वही होता है जिनका कोई नहीं सुनता है ना, उसकी आवाज में बाहर तक पहुंचाता हूँ। ये आज नहीं किया, ये अनसुनी के माध्यम से नहीं, इसके पहले भी आपको पता रहेगा कि मैं कैसा सुना था। एक तरीके का कैंपेन है बप्पा का मान आपका सम्मान जी, और एक तरीके का कैंपेन है मुंबई चा शेठ का बप्पा का मान आपका सम्मान, तो आपका सम्मान में हम उन लोगों की हेल्प करते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया। हाँ तो वो सम्मान आपको करना है ना तो उनका करो, जो मोहरम में, जो गणपति बाप्पा में, जो दिवाली में, जो नवरात्रि में, जो एक नाके पे खड़ा रहता ना उसको बोलते पुलिस वाला, जो आपके सेवा में खड़ा रहता है, आपके त्योहार अच्छे बने उसके लिए वो खड़ा रहता है, खुद के घर में ना वो बर्थडे रहने दे, गणपति बाप्पा रहने दे, मोहरम रहने दे, दिवाली रहने दे, कुछ भी रहने दे, नवरात्रि रहने दे, वो नहीं जाते है, बच्चों के साथ बर्थडे नहीं मनाता है, समझा, तो वो सम्मान ना उनको देना चाहिए। बाबू आप भी घर में रखे हैं गणपति, कितने दिन का रखते हैं और कब विसर्जन है? अबे कैसा रे तुम लोग मन बुद्धि है रे, मैं बोला मेरा 12 दिन का, मेरा मन्नत का राजा बिठाता है, मैं घर पे नहीं बिठाता, बाहर बिठाता हूँ, मैं मन्नत का राजा है मेरा, आप लोग आओ सब एक बार आंखों से देखो, समझा, मगर आप बड़े बड़े बंगले पे जाएंगे, नाम लू किधर किधर जाते तुम लोग, मैडम के गणपति, भाई के गणपति, इधर गणपति उधर गणपति के लिए, कभी गरीबों के भी गणपति पे जाया करो, दिखाओ, वो भी अपनी मेहनत से ना, मेहनत से लाते हैं और बिठाते हैं, जितनी उनकी हैसियत है ना उतना उन लोग ना करते है, उधर भी बताया करो ना, झोपड़पट्टी में जाओ देखो कितने प्यारे प्यारे बिठाए, जाओ ना, पर तुम्हारे को उधर से थोड़ी टीआरपी मिलेगा, तुम्हारा चैनल कौन देखेगा, नहीं देखेगा, उधर भी जाओ। वो आपका और केयूर सर का एक जर्नी रहा है काफी टाइम से, उसके बारे में कुछ बताइए। वो अच्छा काम करते हैं ना, अच्छा काम करते हैं, इसके लिए मैं आता इधर, समझा, आपने देखा होगा गए टाइम भी वो पुलिस वालों से लेके सबको जो अच्छा काम करते हैं उनका सम्मान करते हो, इसके लिए आना पड़ता है मेरे को, बाकी और किधर देगा मेरे को, हाँ शो शाइनिंग करने वालों के पास जाता है, नहीं जाता है,
भाई आप हमेशा साथ देते हो, हिंदू धर्म को लेकर बहुत बातें अच्छी अच्छी बातें करते हो, अभी जो सनातन पे हुआ उसके ऊपर आपने FIR करी है, बताना चाहेंगे? आपको पता नहीं वो स्टालिन का बेटा चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु का बेटा हो, सीएम का बेटा हो, उदय निधि अभी यहाँ पे बापा बेटा है, नहीं तो मुंह खुलता था मेरा। उसने बोला कि सनातन धर्म ये डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह फैल रहा है, इसको जल्द से जल्द खत्म करना बहुत जरूरी है। औकात है क्या? बहुत आया ऐसे पहले भी, सनातन धर्म तो खत्म नहीं कर पाए, वो खत्म हो गए और ये मैं अकेला ये भी खटता रहे, समझा? तो सोचो मेरे जैसे कितने रहेंगे, खत्म करना बहुत दूर की बात है। तुम्हारे को ऐसा करके देगा ना कि तुम लोग दिखाई भी नहीं देगा, समझा? तो उधर से फोन भी बहुत आया मेरे को कि वो ऐसा बोला, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था तुम्हारी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितना ताकत है ना तुम लोग में लगाओ, एक सीढ़ी ना ऊपर ही चाहे, समझा? हाँ बाप है तुम लोग का। भाव राजनीति से आप लास्ट इंटरव्यू बोला था कि राजनीति में मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे राजनीति में नहीं जाना है। राजनीति में जाना ही नहीं ना, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, समझा? नेता नहीं बनना है, अगर पॉलिटिक्स में जाऊंगा ना तो ऊपर बैठा हुआ नेता मेरे को बोलेगा कि ये बोलने का नहीं, और आज करोड़ों लोगों की ना जबान है भाऊ, उनका ना विश्वास नहीं तोड़ सकता है मैं, तो जिधर हूँ उधर खुश हूँ, राजकारण में जाना नहीं। हालांकि सारे जितने भी नेता है सबसे मेरा कॉन्टेक्ट अच्छा है, सबसे कॉन्टेक्ट है, जितना मेरे को लोगों की भलाई कर सकता है उसके लिए सिर्फ मेरे को एक बटन दबाना पड़ता है, वो नेता को उसको करना पड़ता है काम। योगेश भाई आप क्या कहना चाहोगे बीच में? ये गणपति की शुभकामनाएं, कैरू भाई ने और हिंदुस्तानी भाव ने मुझे बुलाया है, बहुत खुशी की बात है। और मैं जो सुबह में उठता हूँ तो पहला नाम गणेश जी का और अम्बे माँ का लेके दिन की शुरुआत करता हूँ, हर मंगलवार को ट्राई करता हूँ मंदिर में जाने की, और मैं रेगुलरली एवरीडे इनके दर्शन के लिए आ रहा हूँ, मेरी ऑफिस बाजू में ही है, तो मेरे बहुत खुशी की बात है कि इतने अच्छे अवसर का मैं हिस्सा हूँ। भाव के साथ कैसा रिश्ता आपका? मेरे को 4-5 बार इवेंट में मिले और बहुत अच्छी दोस्ती और ब्रदर जैसे है, लेकिन हमारा अभी तक कोई बिजनेस रिलेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमारा प्रेम का रिश्ता है। रिश्ते बढ़ने के लिए बिजनेस की जरूरत नहीं पड़ती है, का रिश्ता है। भाई वो प्यार का रिश्ता होता है, मैं बोला प्यार का रिश्ता है, ऐसा बहुत है। देखो जहाँ पे पैसा आया ना वहाँ पे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, रिश्ते दिल से होने चाहिए, पैसों से नहीं होने चाहिए, दिखावा करके मतलब नहीं। ऐसा करो कि जब दोस्त के ऊपर बुरा टाइम आए ना तो उसके दरवाजे पे उसके रिश्तेदारों से पहला तुम खड़ा रहो, उसको रिश्ते बोलते हैं, उसको प्यार बोलते हैं। एक जन बोलने दो उसका जवाब दे देगा, कौन बनेगा करोड़पति के हुए क्या? कितना साल से बिठाया? मैं जो रेडचेरी का, हमारे रेडचेरी का पापा का नाम है मुंबई 4 सीट, वो हम लास्ट 10 साल से बिठा रहे और 10 साल से इसी तरह से हमने पापा तो हमारे वहाँ आज जो आप देख रहे हो यहाँ पे मंदिर में वो पूरा साल बापा यहीं बैठते थे, हम विसर्जन नहीं करते थे, हमने पहले बहुत विसर्जन किया पर अब हमने विसर्जन बंद कर दिया है, अब हम बापा को यहीं बिठा के रखते हैं और 10 साल से चालू हुई है। और इसके साथ साथ जैसा बोला कि हमने बापा का मान आपका सम्मान, जिस कैंपेन का सपोर्ट भाव 5 साल से करते आए, ऐसा भाव ने 5 साल इसको सपोर्ट उतना किया है कि आज हिंदुस्तान में बहुत जगह पे इस कैंपेन के वजह से लोगों की सेवा हो रही है, तो हम चाहते हैं कि और लोग सेवा करें। ऐसे इसमें कोई पैसा ही देना जरूरी नहीं है, पैसे से ही सेवा नहीं हो सकती, नहीं होता है, नहीं होता आपको सेवा आपके घर पे बहुत छोटा आदमी काम कर रहा है, ऐसे फेस्टिवल के सीजन पे आप उसको कुछ गिफ्ट दे दो उसकी मुंह पे, उसकी फैमिली पे जो स्माइल आएगी तो उनका भी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हर इंसान अगर एक जन को भी सेवा कर ले हिंदुस्तान में तो हमारा हिंदुस्तान कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा। लोगों का फायदा हो गया ना, 24 घंटा फ्री चल रही है ना, ऐसे कितने सारे लोग है जिनका कैंसर का टीबी का बहुत ऐसा चीज है जिसका मैं ऑपरेशन करवाता है, कहीं नहीं होता है तो फिर वो मिनिस्टर को फोन करता है, वो कोई भी पार्टी का रहने दे उसको फोन करता है,
जहाँ पे वो हॉस्पिटल है उनको फोन करता है, इधर फोन करके बोल कि इलाज फ्री होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक जन आया था, उसका बेटा 8 साल का था, उसको कैंसर हो गया था, ये कौन सा सांताक्रूज में हॉस्पिटल है वो नहीं बच्चों का हॉस्पिटल है, सूर्य हॉस्पिटल, सूर्य नर्सिंग होम में वो बच्चे का इलाज चालू था। और उसके बाद उसका बाप आया था मेरे पास कि बहुत महंगा है, कुछ तो मदद करो। मैं बोला टेंशन नहीं लेने का, आपका बेटे का जो खर्चा होएगा अपन करेंगे, बेफिक्र रहो करेंगे। गणपति बप्पा आया जिस दिन, उसके दूसरे दिन वो इंसान सुबह आया मेरे पास वापस, गणपति बप्पा के इधर बोला कि ऑफ हो गया करके बच्चा, बच्चा ऑफ हो गया। मैं बोला ऐसा कर दिया, ये था ऑफ हो गया। घर तो लाया मगर उन लोग ने ना लिख के लिया कि उसका जो पेमेंट बाकी है 4-4.5 लाख रुपया वो भरना पड़ेगा। अरे किसी के मौत का, वो 8 साल का बच्चा, उसका भी पैसा ही हॉस्पिटल वाले लेते हैं। मैंने बोला 1 रुपया भरने का नहीं, उनकी जितनी ताकत है कहाँ तक क्या है वो मैं देख लूंगा, आप 1 रुपया भरने का नहीं। आप सोचो फिर ये मेडिकल माफिया कितने भरे है, गरीब कहाँ से लेगा? अरे मरने के बाद भी तुम पैसा मांग रहे, तू है तुम्हारे जिंदगी पे, जाओ ना तुम लोग मीडिया वाले जाके पूछो ना, अरे मरने के बाद भी बच्चे का पैसा ले रहे है क्या? हाँ ये होता है यार, बहुत ऐसी चीजें है जो मेरे को झेलना पड़ता है, करना पड़ता है। भाई एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, सॉरी यार आपको बुरा लगे मना करना, सोनू सूद के घर के बाहर कैंसर का इलाज नहीं किया जाता, अभी मना कर दिया था कैंसर का इलाज नहीं करेंगे, मेरे पास भेजो, तो लोग तड़पते रहते। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जिसकी औकात है, आप ये देखो सोनू सूद है, कर रहे ना कुछ ना कुछ तो कर रहे। देखो इंसान ना बहुत कुछ करेगा ना, मगर एक चीज अगर नहीं किया ना तो वो बुरा बन जाता है। बहुत ऐसी चीजें होती है, मेरे साथ भी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं कर पाता हूं तो नहीं कर पाता हूं। जो चीज नहीं होती है कुछ नहीं होती है, तो बहुत ऐसे लोग पड़े। सिर्फ ठेका हर कोई हम लोग ही नहीं लेके रखा है क्या? हाँ जिनको 25-50 रुपए की टिकट निकाल के इतना बड़ा बड़ा बनाया, बंगले मर्सिडीज लेके घूम रहे, उन लोग कर रहे हैं क्या? उन लोग का भी फर्ज है ना। जो लोगों ने उनको आज सुपरस्टार बनाया उनका भी फर्ज बनता है ना। आज देखो ना वो सलमान खान, हाँ उनके डैडी करते हैं ना, कितना सालों से कर रहे हैं विंग वुमन के नाम पे, सलमान कितना कर रहे है देख रहे ना, करता है। करने की नियत होनी चाहिए, समझा? नियत होनी चाहिए, हर चीज होती है, बाकी की किधर है? बाकी किधर है? गिने चुने लोग हैं सर करने वाले, वही तो है ना, वही बोल रहा हूँ मैं, गिने चुने लोग हैं जो करता है उसको ये करो ना कि भाई कर रहे यार, अरे ये नहीं कर रहे तो फिर उसके ऊपर उंगली बता। मेरा कह रहा हूँ आप कोई कैंसर वाला, मेरे पास कोई भी आवे हर बीमारी की दवा है, हर बीमारी की दवा है, मैं नहीं कर पाता हूँ मैं फोन लगा के देता हूँ। कोई भी आवे मैं आपके मीडिया के थ्रू बोलता हूँ, कोई भी चीज की तकलीफ हो मेरी जितनी हैसियत है मैं करके दूंगा, मेरे पास आओ मैं करके दूंगा। सर आप भाव को बहुत सालों से जानते हैं, उनके बारे में आप कुछ बताइए। भाव के बारे में, भाव के बारे में शायद बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो पूरा हिंदुस्तान जानता है भाव को। और भाव जो है वो सच में आज के दिन में यंगस्टर्स का सिंबल है। अगर भाव की सोच हर हिंदुस्तानी यंगस्टर ने कर ली तो हम दुनिया में राज करेंगे, कोई अमेरिका कोई चाइना हमें पर कुछ नहीं कर सकता। अगर भाव जैसी सोच हमने भी रख ली सपने तो बस हिंदुस्तान कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं तो बोलता हूँ हर एक यंगस्टर्स को कि करना है तो जीना है तो भाव की तरह जियो। आपको क्या लगता है भाव को, लास्ट ईयर मुझे पता है भाव आप 2 साल पहले भी पाकिस्तान से भाव को कितनी धमकी के फोन आए थे, और मेरे का से पूरे दिन में भाव को 20-25 फोन तो आते ही होंगे धमकी के। अरे मेरे को ना घंटा परखने पड़ता है, मैं क्या बोला, और अकेले कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जिसके पिछवाड़े में ताकत है ना वो आ जावे। बहुत सही बात है, भाव अकेले जाते है, कहीं भी किसी की फौज नहीं है भाव के पास, जो भी है भाव अकेले, तो डरना किसे, डर ही निकाल दो भाव का नाम होता है डर निकल जाता है। तो मैंने तो बहुत सारी चीजें ऐसी अडॉप्ट की है, और भाव के बारे में और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और मैं तो बोलूंगा हिंदुस्तान के हर यंगस्टर को कि भाव को सोशल मीडिया पे फॉलो करो, कि वहां से अपने को पता चले कि उनकी सोच क्या है और वो क्या करना चाहते हैं, और उस कैंपेन में हम सबको जुड़ जाना चाहिए।
मीडिया के साथ भी बोलूंगा कि भाव के साथ हमें साला क्या लेके जाना है ये ऊपर, हाँ लेके जाना है, नहीं ना नहीं ना, फिर साला आज ऊपर वाले ने इतना दिया ना, जो ना बांटो ना, जब किसी को किसी का मदद करते है ना उसके चेहरे पे जो स्माइल आता है ना वो सबसे बड़ा होता है, दुआ बोलते है उसको, वो दुआ है ना बहुत काम में आती है, उसको कर्मा बोलते है, कर्मा, अब अच्छा करोगे अच्छा लौट के आएगा, समझा, अच्छा करोगे अच्छा लौट के आएगा, बंदर मूर्ति।